एंट्रेंस में क्या लोगो था भाई, रत सिंह का बराबर टुपनो वाले समझ रहे हो तो ये रहा भाई इनका कैफे जो दिखने में बड़ा खूबसूरत था। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पूरे कबीर्स रेस्टोरेंट का ओवरव्यू, जिसमें इनकी बेकरी, इनका कैफे और इनके रेस्टोरेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई साहब ये आया कबीर्स का मेन्यू, जिसके पहले ही पेज पर कबीर की इतनी बड़ी फोटो, लास्ट पेज पर भी कबीर अफरीदी ने अपनी फोटो दी होगी, पर चलो बचत हो गई, ये नहीं दी। पहले आया स्पेशल मटका बिरयानी, उसके साथ आया पुलाव, ये रहा फाइनली तवा चिकन। सो यार ओली दुआ सिंह यार तवा चिकन चेक करो, बड़ी जबरदस्त टेस्ट। और भाई खोलने के बाद मटका बिरयानी जो दिख रही थी, ओह तो आज क्या देख रहा हूँ एक और व्लॉग देख रहा है यार। तो यार मैं जब से आया हूँ यही सुन रहा हूँ कि नए नए रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, तो यार इनका विजिट तो करना पड़ेगा ना। बात तो सही है, तो इसलिए आप मैं विजिट करने वाला हूँ एक मशहूर रेस्टोरेंट जो हाल ही में खुला है, बल्कि वो खुलने से पहले बड़ा मशहूर था, द कबीर्स रेस्टोरेंट पिशावर। या नाम तो सुना ही होगा नहीं। तो यार उसी का विजिट करने वाला हूँ आज मैं, तो चलिए बिना देर किए ही निकलते हैं घर से। तो यार घर से निकलते ही सबसे पहले अपन ने ATM जाकर पैसे निकाले। वाह एंट्रेंस में क्या लोगो था भाई। हाँ भाई, तो हम पहुंच चुके हैं कबीर अफरीदी रेस्टोरेंट, या कबीर रेस्टोरेंट भी आप कह सकते हैं, और मैं इसके साथ पहुंच चुका हूँ, देखो गोरा। तो भाई ये कबीर रेस्टोरेंट की जो पार्किंग है वो काफी ज्यादा बड़ी पार्किंग है माशाल्लाह से। सो बेसिकली दैट्स द एंट्रेंस, हम वहां से आए हैं और ये मेन एंट्रेंस है कबीर रेस्टोरेंट की। इस शर्मिंदे को देखो, वो देखे मैं प्रगति कर रहा हूँ, ये इसके काम, ये उम्र के और ये डॉक्टर बनने वाले दत्त सिंह खबर वाले समझ रहे हो तो ये रहा इनका किचन आप कह सकते हैं, बट किचन का सिर्फ एक पार्ट। तो ये रहा भाई इनका कैफे जो कि दिखने में बड़ा खूबसूरत था, और ये रही भाई साहब इनकी बेकरी। पर जब मैं बेकरी के करीब गया तो क्या देखता हूँ कि ये तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पूरे कबीर्स रेस्टोरेंट का ओवरव्यू, जिसमें इनकी बेकरी, इनका कैफे और इनके रेस्टोरेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा नजर आता है। तो भैया हम पहुंच चुके हैं और अपने लिए एक प्यारी सी जगह ढूंढते हैं और बैठते हैं। अंदर बैठने का हमारा कोई दिल नहीं है क्योंकि हमें बाहर ही बैठना है, बड़ी जबरदस्त नेचुरल ब्यूटी है। अच्छा तो चलिए इधर बैठे, तो इसने एक जगह ढूंढ लिया, चलो यहाँ पर बैठ जाते हैं। ओ भाई साहब ये आया कबीर्स का मेन्यू, जिसके पहले ही पेज पर कबीर की इतनी बड़ी फोटो, और फिर जब मैंने खोला तो यार एक पेज की इतनी ज्यादा थिकनेस, और यार मेन्यू का हाल तो कुछ अजीब ही था। और जब मैंने पलटाए पेजेस तो मैं पहुंचा एंड पेज पर, मुझे लगा तो लास्ट पेज पर भी कबीर अफरीदी ने अपनी फोटो दी होगी, पर चलो बचत हो गई, ये नहीं दी। अरे यार मेन्यू से मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूं, अब चलो ऑर्डर करते हैं। हमने ऑर्डर किया तवा चिकन और उसके साथ ऑर्डर किया स्पेशल मटका बिरयानी एंड काबली पुलाव। तो भाई हम ऑर्डर दे चुके हैं, चलो वहीं से पूछते कि इनके मेन्यू का कैसा रहा वलीद का एक्सपीरियंस। यार मेन्यू खाली सादा मेन्यू खाली का डेरा खादा बस कभी रेफरी दी पक पक बना अरस दी पक वो मसाला पक दादा खान लको नमूने दो ना ग्रैंड दी कना वल्लाह का भाई वशम ने दो प्रोग्राम बनेट के सर्च को दिस पर शक्ल मानी सिंग ओ भाई मारो मुझे मारो दाबो दे अभ्याम ऑर्डर को लग तो मेन्यू डेर कंफ्यूजिंग सुपर करता पूरा हरियाली कढ़ाई देखा ना उस दिन उस्ताद जी के सारे जी हरियाली कढ़ाई वैसे शेड बात तो सही है, सही खबर है, सर उस दिमाग खराब है, वरना ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं कि हमने ट्राई ना किया हो। अच्छा पर इसका मेन्यू थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं, बड़ा सा कंफ्यूजिंग है और थोड़े से अजीब से नहीं, अपने आप से दिए हुए पता नहीं क्या होगा। क्रिस्पी ड्राई बीफ का सुन तो पता बीजिंग ने चाइना कैपिटल है। अबे साले बीजिंग क्रिस्पी ड्राई बीफ का वहां से मतलब लगना था वो जगह से वेदा प्रिंसिपल से वेदा अबे लखवा का लड़ दे मने वो ऐसे वाला सारे नजर के बस फोन आया था।
सो भाई ये बंदा हमारे स्कूल में पढ़ता था ना, वाज द चीफ प्रॉक्टर, तो ये मुझे देख कर कहते थे यार तू बड़ा मशहूर था भाई, क्योंकि मैं हर टाइम इस बंदे को लाइन से बाहर खड़ा करता था क्योंकि ये भी बड़ा मशहूर था। बात करके हमारे स्कूल की कुछ पुरानी यादें ताजा हुई। कबीर वाला बाहर में नहीं चले मेरी कबीर से अच्छी जान पहचान है, चलो तुम लोग मिला। तो मैंने कहा नहीं यार अभी तक अपन किसी के पीछे नहीं गए और ना किसी के साथ सेल्फी खिंचाने का अपन का शौक है भाई। पहुंचा हमारा ऑर्डर फाइनली। सबसे पहले आया स्पेशल मटका बिरयानी, के साथ आया पुलाव, ये रहा फाइनली तवा चिकन, और ये रही नान। यार पुलाव का गोश्त बड़ा नरम था जैसे मच्छी का गोश्त। सो यार वली दुआ सेंग यार तवा चिकन चेक करो, बड़ी जबरदस्त टेस्ट है। और जब मैंने उसे चेक किया तो यार वाह की माने लाजवाब टेस्ट था इस तवा चिकन का। तो And then we tried matka biryani finally. और भाई खोलने के बाद मटका बिरयानी जो दिख रही थी, ओह सो भाई यहाँ ट्विस्ट ये था कि जितनी बिरयानी दिखने में अच्छी लग रही थी वलीद को उतनी पसंद नहीं आई। मेरे हिसाब से यहाँ पर सिर्फ दो फॉल्ट, ठीक है दो फॉल्ट से, हाँ दो फॉल्ट से, बाकी खाना इनका टेस्ट प्राइसिंग हर चीज जबरदस्त है, मेन्यू की रेंज भी वैरायटी भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है समझ गया। लेकिन एक मसला ये कि यहाँ पर ये फजूलिया जो गाने आप सुन रहे हैं ये लगाई हुई है तो दिमाग खराब हो गया, ऐसा लग रहा है कि हम जंग पर आए, केजीएफ के बीजीएम सॉन्ग से लगाए हुए, बीजीएम सॉन्ग लगाई हुई है कि बस हम सभी भी तलवार और बंदूक निकाल के यहाँ पर जंग शुरू होने वाली है, एक ये मसला है। और दूसरा मसला ये कि दूसरा मसला नहीं वैसे ही मसला एक तो गाने वाला मसला एक वो मैंने बता दिया, दूसरा मसला ये कि इनका मेन्यू मतलब अजीब अजीब नाम रखे हुए हैं, मतलब मेन्यू की समझ नहीं आती ये। तो भाई हम लोग खाना खा चुके, पर एक घंटा हो चुका है लिटरली मुझे पिरा रहे तस्वीरों के लिए, और मेरी आदत है कि मैं पिक्चर्स बिल्कुल नहीं खींचता अगर कहीं भी हूँ, मगर क्यों। तो हाँ भाई मैं वापस आ चुका हूँ और कबीर का ये होलसम रिव्यू मैं आपको दूंगा, और वो ये है कि उनका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बेहतरीन था, हर तरफ ग्रीनरी थी और नेचुरल व्यू था। इसके अलावा अगर टिपिकल रेस्टोरेंट का वाइब चाहिए आप लोगों को तो वहाँ पर हॉल्स भी बने हुए थे, हॉल 1 हॉल 2 एटसेट्रा वगैरह। उसके अलावा उसमें कैफेज और मुख्तलिफ जगह थे, उसमें बेकरी थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। अच्छा इसके अलावा जो टेस्ट था वो बहुत ही बेहतरीन था, मोस्टली फूड्स का बहुत ही डिफरेंट था, कुछ मतलब कुछ ना कुछ खामी तो हर जगह होती है, पर मोस्टली जो फूड का टेस्ट वो बहुत बेहतरीन था जैसे पुलाव था। अच्छा अगर प्राइसिंग की बात करें तो जब मुझे कबीर रेस्टोरेंट का पता चला और मैंने दोस्त को कहा तो उसने नेट पर सर्च किया टाइमिंग्स प्राइसिंग वगैरह एटसेट्रा, तो उसने मुझे कहा था यार ये तो बड़ा महंगा एटसेट्रा, पर यार मुझे नॉर्मल लगे इतना महंगा नहीं, और दूसरी बात जितने का भी वहाँ सामान मिलता है वो बिल्कुल वर्थ इट था, आई टेल यू बिल्कुल वर्थ इट था, उसका टेस्ट वहाँ का जो व्यू है वहाँ का वाइब इट वॉज वर्थ इट। तो यार आज के लिए इतना ही, फिर कल के व्लॉग में मिलेंगे और कल मुलाकात होगी, तो मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।